प्रथम तहलका न्यूज। गुरुग्राम में सीए को गिरफ्तार करने के बाद पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कड़ी में रोहतक में भी सीए ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया और गिरफ्तार किए गए दोनों सीए को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। रोहतक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व चेयरमैन सुशील कुमार जैन ने बताया कि सीए सरकार और व्यापारियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इनको बेवजह निशाना बनाया जा रहा है जो गलत है, इसीलिए गिरफ्तार किए गए दोनों सीए को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए, ना कि सीए पर। तो वहीं इस कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि ईडी द्वारा एक ऐसा मामला पकड़ा गया है जिसमें कुछ कारोबारियों ने बीते महीने बिना कारोबार किए ही फर्जी बिलों के आधार पर 15 करोड़ रुपए का रिफंड हासिल कर लिया। इसकी शिकायत किसी ने वित्त मंत्रालय में कर दी थी, जिसके बाद मंत्रालय के आदेश पर जांच शुरू हुई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद कारोबारियों के कागजात को सर्टिफाइड करने के आरोप में सीए सुनील और गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आज का कार्यक्रम क्या? आज का कार्यक्रम हम सीजीएसटी डिपार्टमेंट में जाके कमिश्नर साहब को अपना एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जो अरेस्ट किया है वो गलत किया है, और हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप बात को समझते हुए, हमारे सीए प्रोफेशन को समझते हुए, आज सीए के कारण ही इतनी जो जीएसटी की कलेक्शन होती है, अगर आज हमारे सीए भाई अगर काम ना करें जीएसटी का, तो आपको पता लग जाएगा आपकी कैसे कलेक्शन होगी, कितना जटिल कानून है, कितने हजारों उसके अंदर जो है अमेंडमेंट होती हैं, तो वो कौन करता है? क्या आज एक व्यापारी अपने आप सीए की रिटर्न भर सकता है? आप मुझे बता दो, क्योंकि सीए ही तो हेल्प करता है उसको रिटर्न भरने के लिए, जब ये कलेक्शन होती है, जब ही गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, और आज आप सीए को ही कल्प्रिट बना रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा इसके बारे में। और इसके लिए हम ये चाहते हैं, हमसे उनसे ये अनुरोध है, ऐसा स्टेप आगे कभी भी सीए के खिलाफ ना लिया जाए, और जो एक लीगल जो कार्रवाई है उसी हिसाब से काम किया जाए, ना कि उसको गलत तरीके से उसको यूज़ किया जाए। पावर को गलत यूज़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। ठीक। फिलहाल अब देखना होगा कि प्रदेश भर में लगातार हो रहे इन प्रदर्शनों का सरकार पर कितना असर पड़ता है और गिरफ्तार किए गए सीए को कब रिहा किया जाता है। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से ब्यूरो रिपोर्ट।